हम अपने जीवन में पहले तो कुछ करना नहीं चाहते और कभी करने की भी ठान लेते हैं तो कुछ लोग हमें डिमोटिवेट करते हैं कि तू नहीं कर सकता, तुमसे नहीं होगा, और हम डिमोटिवेट हो जाते हैं और अपने सपनों के साथ समझौता कर लेते हैं कि शायद मैं नहीं कर सकता। और हाँ, यही होता भी है, हम मान लेते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता। और यदि आप मान लेंगे कि आप नहीं कुछ कर सकते तो यकीन मानिए आप कुछ भी नहीं कर सकते और हम कुछ नहीं कर पाते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये जिंदगी आपकी है या दूसरों की? आपका जवाब होगा कि ये जिंदगी मेरी है तो फिर आपने अपनी जिंदगी का फैसला दूसरे के हाथों में कैसे दे दिया? दूसरे के कहने पर कैसे अपने सपनों से समझौता कर लिया कि ये आप नहीं कर सकते? अरे वो लोग क्या आपको बताएंगे जो अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाए, अपने तो कुछ नहीं कर पाए और दूसरों को डीमोटिवेट करते हैं कि तुम नहीं कर सकते और आप डीमोटिवेट हो जाते हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि वो आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहे हैं, वो आपको अपने मंजिल तक जाने का रास्ता बता रहे हैं। यह आप पर निर्भर करता है कि आप उनके डीमोटिवेट करने पर माइनस पॉइंट की तरफ जा रहे हैं या प्लस पॉइंट की तरफ जा रहे हैं। यदि आप माइनस पॉइंट की तरफ जाएंगे तो आप अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे और यदि आप प्लस पॉइंट की तरफ जाएंगे तो आप उनके डीमोटिवेशन से ही मोटिवेशन लेके आप कुछ बड़ा कर जाएंगे। लेकिन कैसे मोटिवेशन ले जब तुमसे लोग कहें कि तुम नहीं कर सकते, यह बहुत ही कठिन है? तो उनको तुम कोई जवाब ना देना, बस मुस्कुरा देना और अपने आप से कहना, अरे कठिन है तभी तो करना है, और अपने काम में जुट जाना। और जब भी तुम्हारा मोटिवेशन कम हो तो उन लोगों को याद करना कि जिन्होंने कहा था कि तुम नहीं कर सकते। तुम्हारे शरीर में देखना एनर्जी दोगुना बढ़ जाएगी और तुम्हें कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यदि तुम्हारा फिर भी मोटिवेशन कम हो रहा है तो तुम उस दिन की कल्पना करना जिस दिन तुम असफल हो गए हो और लोग तुम पर हंस रहे हैं कि मैंने कहा था ना कि तुम नहीं कर सकते, ये बहुत ही कठिन है, आज तक इसे कोई नहीं कर पाया है। लेकिन तुम नहीं माने तो इसका परिणाम देखो, तुम आज असफल हो गए। अब तो तुम्हारी एनर्जी दोगुना के बजाय अब चार गुना हो गई होगी अपने मंजिल को पाने के लिए और इन लोगों को गलत ठहराने के लिए। मैं इस वीडियो का अंत सिर्फ इतना कहकर करना चाहूंगा कि कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया को बदलते हैं और नाकामयाब लोग दुनिया के वजह से अपने फैसले को। जो लोग अपने फैसले से दुनिया को बदलते हैं वो इतिहास रच जाते हैं और जो लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदलते हैं वो डर डर के ठोकरें खाते हैं। समझदार वो नहीं जो ईंट का जवाब पत्थर से दे, बल्कि समझदार वो है जो फेंकी हुई ईंट से अपनी आसियाना बना ले। आपको डिमोटिवेशन के बीच में से मोटिवेशन निकालना है और अपने लक्ष्य को पाना है। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिए।